नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि सरकार ने इसकी बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल शुरू। राज्य सरकार ने 93,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र में भाजपा नेता अब से कुछ देर बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और वर्षा तथा भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम राजकोट में। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि सरकार ने इसकी बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया है। आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2 दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास नए विचारों और नए दृष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस तरह के निवेशक सम्मेलन देश के कुछ शहरों में ही आयोजित होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि अब राज्य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं। निवेशक के लिए ये आवश्यक है कि उसे उपयुक्त इकोसिस्टम मिले, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े। राज्य इनिशिएटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं, कानूनों में बदलाव हो रहा है, गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने के दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों में ये कंपटीशन जितना बढ़ेगा, हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कम्पीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्ष के दौरान 5,00,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक आधारभूत ढांचा कोष का लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती के मामले में हिमाचल प्रदेश को सिक्किम से सीख लेने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं जिनका समुचित इस्तेमाल किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कल किए गए एक महत्वपूर्ण फैसले से 4.5 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा। सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हित के अनुसार, भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है। आज सरकार गरीब के घर, स्वास्थ्य, स्किल ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस कर रही है, तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी बल दे रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर 93,000 करोड़ रुपए के विभिन्न निवेश समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। देश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों ने भी हिमाचल में निवेश के प्रस्तावों और योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चल रही और भावी विकास परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। 2 दिवसीय वैश्विक निवेश सम्मेलन में उद्यमियों के साथ सरकार की बैठकों के अलावा 8 क्षेत्रीय सत्र होंगे। इस सम्मेलन में लगभग 1,700 निवेशक भाग ले रहे हैं, जिनमें 200 विदेशी निवेशक और 11 देशों के राजदूत भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 85,000 करोड़ रुपए के पहले के लक्ष्य को पार करते हुए राज्य सरकार और निवेशकों के बीच 93,000 करोड़ रुपए से अधिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं का अब से कुछ देर बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने का कार्यक्रम है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम की चर्चा का खंडन करते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही राज्य में सरकार का गठन होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चल रहे राजनीतिक गतिरोध का जल्दी फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य में सरकार स्थापन को लेकर शिवसेना के साथ बातचीत जारी है और उन्हें विश्वास है कि बीजेपी को शिवसेना का समर्थन जरूर मिलेगा। बहरहाल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के पहले मुंबई में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अल्पमत की सरकार बनने से इनकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनाने के सारे प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि आज राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बीजेपी राज्य में सरकार स्थापन करने का दावा पेश करने पर विचार करेगी। फिटीजेन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। शिवसेना के विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सरकार गठन के मामले में अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। उद्धव ठाकरे के आवास पर आज हुई विधायकों की बैठक में ये मांग की गई कि मंत्री पदों की बराबर हिस्सेदारी के बारे में लोकसभा चुनाव के समय तय किए गए फॉर्मूले को इस बार भी अमल में लाया जाना चाहिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज नई दिल्ली में गुरू नानक देव से संबंधित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। गुरू नानक बानी, नानक बानी और साखियां गुरू नानक देव नामक पंजाबी भाषा की इन पुस्तकों को नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। ट्रस्ट इन पुस्तकों का 15 अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशन करेगा। इस अवसर पर हरसिमरत कौर ने कहा कि गुरू नानक देव के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी मैं समझती हूँ कि जो रेलेवेंट चीजें हमारे गुरु नानक देव जी ने 550 साल पहले कही थी वो आज की दुनिया में भी इतनी रेलेवेंट है, क्योंकि सारी रीति रिवाजों से बाहर निकाल के एक सिंपल फिलॉसफी को गुरु नानक साहब ने प्रोजेक्ट किया, जो आज की नौजवान पीढ़ी हो, देश में हो, दुनिया में हो, जिसके साथ जुड़े। मैं समझती हूँ कि समाज ही नहीं लेकिन दुनिया और धरती एक बहुत अच्छी जगह बन सकती है। इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोगों का आह्वान किया कि वे दुनिया के कोने कोने में गुरू नानक देव के विचारों का प्रचार प्रसार करें। गुरू नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के सिलसिले में दुबई स्थित गुरूद्वारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम 10 से 15 नवम्बर तक चलेंगे। इस 6 दिन के उत्सव में गुरु नानक देव के जीवन और दर्शन से संबंधित फिल्म और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन के अलावा अन्य आस्था के लोग भी उनसे जुड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। संयुक्त अरब अमीरात के टॉलरेंस मिनिस्टर शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान, राजदूत पवन कपूर, दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत श्री विपुल भी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दुबई स्थित गुरुद्वारा पूरे खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। गुरु नानक देव के 550वें साल के जयंती के उपलक्ष्य में पिछले एक साल से गुरुद्वारा ने रक्तदान शिविर, बैसाखी, श्रम शिविर, चिकित्सा शिविर, सहिष्णुता पुस्तक प्रस्तुति और पंजाबी संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। करतारपुर गलियारे के उद्घाटन से पहले भारत ने पाकिस्तान से अति विशिष्ट श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करने को कहा है। करतारपुर जाने वाले शिष्टमंडल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी तथा कई सांसद हैं। गलियारे का शनिवार को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से मानो सरहदें पिघला दी। इतिहास में पहली बार भारतवासियों के लिए समर्पित है डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तक का करतारपुर कॉरिडोर। 4.190 किलोमीटर लंबे करतारपुर हाईवे और आधुनिक सुविधाओं से सज्जित इस पैसेंजर टर्मिनल के साथ अब हम बिना वीजा के करतारपुर साहिब तक पहुंच सकते हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन को तो अपग्रेड किया ही है, साथ ही गुरु नानक जी के इस 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यात्रियों को सुल्तानपुर लोधी पहुंचाने के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सरकार ने अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि सरकार 10,000 करोड़ रुपए वैकल्पिक निवेश कोष में उपलब्ध कराएगी। शेष 15,000 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस कोष से 1600 अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा हो सकेगा, जिसमें देशभर की 4.5 लाख से अधिक आवासीय इकाइयां शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कोष में सॉवरेन और पेंशन निधि के शामिल होने का अनुमान है, जिसके बाद कोष की समग्र राशि और अधिक बढ़ जाएगी। इस कोष से डेवलपरों को काफी राहत मिलेगी और वे अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर खरीदारों को सही समय पर मकान उपलब्ध करा सकेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीजन के आयुक्त बशीर अहमद खान ने रेल अधिकारियों से कहा है कि वे अगले सप्ताह से कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं पुनः शुरू करें। उन्होंने रेल अधिकारियों से 3 दिन के भीतर रेल लाइनों की जांच का काम पूरा करने का भी अनुरोध किया। श्री खान ने 10 नवंबर को रेल सेवाओं का परीक्षण करने के बाद 11 नवंबर से नियमित सेवाएं शुरू करने का भी अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति की जानकारी उपराष्ट्रपति को दी। श्री नायडू ने उपराज्यपाल से जन सेवाओं को प्रभावी तरीके से लागू कराने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिलों के अनेक भागों में आज रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। राज्य के निचले इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो रही है। लाहौल स्पीति के रोहतांग दर्रे पर करीब 1 फुट बर्फ जम गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। आसपास के क्षेत्रों में तूफान आने की भी आशंका जताई गई है। 30 हजारी कोर्ट परिसर में 2 नवंबर को पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प को लेकर पुलिस के प्रदर्शन और धरने के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की एक जनहित याचिका आज दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई है। याचिका में उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, जिन्होंने इस मामले के अदालत के विचाराधीन होते हुए सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी किए। मामले में कल सुनवाई होगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा है कि आकाशवाणी संचार का एक मजबूत और प्रभावशाली माध्यम बना रहेगा। आज नई दिल्ली में डिजिटल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रेडियो की सबसे खास बात यह है कि लोग अपना काम करते हुए भी इसका आनंद ले सकते हैं। दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि अब रिपोर्टिंग के लिए पुराने बड़े कैमरों की जगह मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने लगा है और दूरदर्शन भी इस नई मोबाइल पत्रकारिता का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से राजकोट में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। बांग्लादेश दिल्ली में पहला मैच जीतकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पी कश्यप और बी साई प्रणीत चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज चीन के फुझोऊ में दूसरे दौर के मुकाबले में कश्यप को 7वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने 21-13, 21-19 से पराजित किया। एक अन्य मैच में दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी बी साई प्रणीत को डेनमार्क के आंद्रेस एंटोनसेन ने हरा दिया। आज ही पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला जापान के हिरोयुकी इंडो और युतावाता नाबे से होगा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है, जिससे प्रदूषण झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आज सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 214 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की फुहार भी पड़ी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। मौसम विभाग ने बताया है कि आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सरकार ने इसकी बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल शुरू। राज्य सरकार ने 93,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा नेता अब से कुछ देर बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और वर्षा तथा भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम राजकोट में।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।